हाय दोस्तों, आज नो दाई फ्यूचर लेके लिया है आपके लिए एक ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे शेख रशीद अहमद का हाथ, जो मिनिस्टर ऑफ रेलवे पाकिस्तान के हैं। तो सबसे पहले आप नोटिस करेंगे ये तीन जो माउंट्स हैं, ये पहला अपोलो, फिर जुपिटर, फिर वीनस, ये काफी डेवलप्ड है, ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड है इस हाथ में। और ये तीनों जो माउंट्स हैं ये बेस्ट माने जाते हैं अगर बंदे ने पॉलिटिक्स में जाना है, क्योंकि जो अपोलो है वो देता है कॉन्फिडेंस सामने आने का, बोलने का और अच्छे स्पीकर बनने का। जुपिटर लीडरशिप को दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है, तो ये बंदे को लीडरशिप पोजीशन देने में आसानी देता है। उसके साथ वीनस माउंट पॉपुलैरिटी देता है, तो काफी लोग इनको नेचुरली पसंद करते होंगे। उसके साथ ही अगर आप देखें, लिटिल फिंगर काफी लंबी है, मतलब कि अगर लिटिल फिंगर की लंबा कोई गए तो वो यहाँ तक पहुंचती है, बट आप देखें ये उससे भी ऊपर पहुंच रही है, तो इसका मतलब ये एक्सेप्शनली लंबी है, जो बंदे को बहुत स्ट्रीट स्मार्ट बनाता है। तो इवन अगर ये शायद इंटेलेक्चुअली स्मार्ट नहीं है, ये स्ट्रीट स्मार्ट बहुत है और ये बोलने में बहुत अच्छे हैं, लाइक ये किसी को भी अपनी बातों से मदद सकते हैं। उसके साथ आप देखेंगे कि अपोलो की फिंगर लंबी है, जो अगेन बंदे को बहुत अच्छा स्पीकिंग एबिलिटी देता है और उसको एक्सप्रेसिव भी बनाता है। उसके साथ जो इनकी एक्सप्रेसिव एबिलिटी जो मैंने देखी है वो है कि ये जो लाइन है हार्ट की, ये ऊपर जा रही है और जो हेडलाइन है नीचे जा रही है, जो दोनों बंदे को क्रिएटिव बनाती है और एक्सप्रेशन में और बोलने में बहुत अच्छा बनाती है। इसके साथ अगर आप देखें तो इनकी मिडल ऑफ द पॉम से स्ट्रेट लाइन चलती है, तो जब मिडल ऑफ द पॉम से चलती है तो 30s में बंदे को काफी सक्सेस मिलती है। तो ये पहले बार जब इलेक्ट हुए थे असेंबली में वो थी 35 की एज में, और ये यहाँ पे यही मैं जो दिखाते कि 30s में बंदों को कामयाबी देती है। उसके साथ ही ये 50s में, जब ये 52 के थे, तो ये फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बने थे। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये जो लाइन है सबसे स्ट्रांग है यहाँ, तो ये रिप्रेजेंट करता है 50+, तो ये 52 में इनको पोजिशन मिलती है। और जब 50s और जो अभी ये आई थिंक 70 के होंगे साल, तो आप देखें कि इनकी 50 से काफी कामयाब जा रही है लाइफ। तो ये फिर फेट लाइन की टाइमिंग ऐसी है कि बंदे को सक्सेस सबसे ज्यादा उसी वक्त होती है जब फेट लाइन देखें कितनी स्ट्रांग है, जिस वक्त स्ट्रांग है। उसके साथ ही अगर देखें तो जो यहाँ पे जुपिटर की तरफ से काफी लाइनें आ रही हैं, तो ये भी बंदे को पॉलिटिक्स में कामयाबी देती है, क्योंकि जुपिटर में जो भी लाइन जारी होती है वो लीडरशिप एम्बिशन पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर इनका देखें जो थोड़े ड्रॉबैक्स हैं वो है हेल्थ के, क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो ये जो फैलेंजेस हैं थर्ड, ये काफी डेवलप्ड है, तो इसमें बंदे को ओवर इंडल्जिंग, ओवर स्मोकिंग, ओवर ईटिंग ऐसी आदतें देती हैं, तो बंदा फिर हेल्थ वाइज उनको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ओवर इंडल्जेंस है। उसके साथ ही जो वीनस माउंट है वो भी काफी ऊपर है, तो ये भी इसी जो एस्पेक्ट है उसको लाइक इंक्रीज करता है कि बंदा ओवर ईटिंग, और इससे फिर हेल्थ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको बहुत पसंद होता है खाने पीने का शौक, तो हो सकता है बाद में लाइक हेल्थ प्रॉब्लम्स ये फेस करें। वैसे तो लाइफ लाइन एंड तक अगर आप देखें अच्छी है, बट फिर भी इनको अपना ध्यान रखना चाहिए। तो ओवरऑल हाथ इनका अच्छा है, काफी एक्सप्रेसिव एबिलिटी है और नेचुरली ये स्ट्रीट स्मार्ट है, और साथ ही साथ ये जो फिंगर्स हैं ये कोई भी इनमें कमी नहीं है, एक ही जेंटल आर्क बना रहे हैं। तो जब कोई भी फिंगर जेंटल आर्क बनाते हैं, इसका मतलब होता है कि बंदा नेचुरली लकी होता है, और ये स्पीकिंग में और जो लोगों से बात करने में उसमें काफी अच्छे हैं, तो इसलिए इनकी इतनी ज्यादा सक्सेस रही है पॉलिटिक्स में। और हाँ, अगर ये पॉलिटिशियन होते हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि इनको जो फील्ड में सक्सेस मिलती है वो होती है एक्टिंग, क्योंकि जो अपोलो माउंट जब उभरा हुआ होता है ना, और साथ जो हेडलाइन है वो नीचे जा रही होती है, तो ये एक्टिंग में बहुत बंदे को टैलेंट देता है, तो हो सकता है इनमें हो भी एक्टिंग का टैलेंट। तो अगर ये एज अ पॉलिटिशियन शायद कामयाब ना था, अगर ये एक्टिंग में ट्राई करता है तो उसमें इनको काफी कमी हो सकती थी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफी एक्टिंग का टैलेंट भी है। तो बस ये थी आज की वीडियो। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई होप यू हैव अ वेरी नाइस डे।